नमस्कार, मैं इमरान। शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 16वें दिन है और अगर मधेपुरा पुलिस प्रशासन की बात करें तो अब भी आश्वासन मिल रहा है। उनका कहना है कि हम बहुत ही जल्द अपना प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, जो भी कातिल होंगे वो उनकी धरपकड़ करना शुरू करने वाले हैं। यह बात कहते हुए मुझे भी काफ़ी अफसोस हो रहा है कि आज 16 दिन गुजर गए लेकिन पुलिस अब भी एक ही आश्वासन दे रही है कि हम मुजरिम तक बहुत जल्द पहुंचेंगे। हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पहुंचेंगे। वजह है कि अभी तक उनको जो सबूत की बात करें तो कुछ सबूत उनके हाथ लगना बाकी है और यही वजह है कि लगातार वो हमें आश्वासन दे रहे हैं। अब इसके बाद आपको हम कुछ कमेंट पढ़ के सुनाएंगे जहां पर हमारे व्यूअर्स ने लगातार हम पे वीडियो पर कमेंट किया है और हमारा हौसला अफजाई करने की कोशिश किया है। और ख़ास करके जो टीपू हत्याकांड है इसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कमेंट किया है उसको आप एक बार सुनिए। लैपटेक व्लॉग्स लिखते हैं कि यू आर अ ट्रू जर्नलिस्ट, आई विश द जर्नलिस्ट ऑन नेशनल टेलीविजन वॉज एज ऑनेस्ट एज यू। इसका मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दूं कि आप एक सच्चे पत्रकार हैं, कि काश आपके तरह ही सच्चे पत्रकार नेशनल टेलीविजन पर भी होता। ये लिखते हैं लैपटेक व्लॉग। तो हमारी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा। हमने आपको निष्पक्षता के साथ लगातार 28 अगस्त से लेकर के और आज तक आपको हम अपडेट देते आ रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और हमने आज तक जितना भी कार्य किए हैं इस जर्नलिस्ट के रूप में सारे बिल्कुल आप बोलें तो साफ सुथरा काम किए हैं और हमारा रिकॉर्ड भी वही है। यही वजह है कि आप जैसे महान व्यक्ति और आप जैसे महान व्यूअर्स हमें इस तरह की लगातार हमें प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, शुक्रिया। इसके बाद हमारे पास सुमन कुमार भारती लिखते हैं कि कातिल बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, जब जाकर सुकून मिलेगा। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि कातिल बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें। इसके बाद हमारे साथ कई एक ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर हमारे व्यूअर्स कितना ध्यान रखते हैं हमारे इस कार्य को लेकर के। इसमें है कि MS एहसान लिखते हैं कि 15 दिन हो चुका है और अभी तक एविडेंस नहीं मिला है, कातिल इतने में मैनेज कर लेंगे बड़े से बड़े। एहसान जी, आपको मैं बता दूं कि इस केस में जो कोई भी कातिल होंगे वो सामने नहीं आएंगे। उनको यह लगता होगा कि हम बच रहे हैं लेकिन पुलिस के सामने जैसे ही वो आएंगे उसकी धरपकड़ करना शुरू कर देंगे और यही वजह है कि वो इस केस में आगे बढ़ चढ़ करके नहीं आएंगे। और मैनेज करने वाली बात जो कर रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं होती है। तो आप बेफिक्र रहें, जो भी सत्य होगा वो सामने आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास बबलू कुमार जी लिखते हैं कि मुझे मुरलीगंज पुलिस प्रशासन पर पूर्ण भरोसा है, जल्द ही हत्या की गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि फांसी की सजा के बारे में प्रमुखता से उठाएं और हम सभी शोकाकुल ग्रामवासी की एक ही मांग है, हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। बबलू जी, आपको मैं बता दूं कि हमारा लगातार एक ही मांग है कि जो भी हत्यारे हैं उसको फांसी ही होने चाहिए, उसे बख्शे नहीं जाना चाहिए। और जहां तक की बात मैंने बोला कि मुरलीगंज पुलिस प्रशासन का आपको यकीन है, तो आपको बता दूं कि हमने भी यकीन किया है। जैसे कि मेरी बात लगातार वहां के SHO अखिलेश कुमार से हो रही है और मधेपुरा प्रशासन जो SDPO है, मधेपुरा प्रशासन में जो SDPO हैं उनसे लगातार हम जुड़े हुए हैं, उनसे बात मेरी हो रही है। तो उनका कहना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं सत्यता की बुनियाद पर कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें, जो भी दोषी होंगे वही सामने आएंगे। इसके बाद आज़ाद जी लिखते हैं कि 15 दिन हो गया, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आप लोग क्या कर रहे हैं। आज़ाद जी, आपको बता दें कि ये काम प्रशासन का है और जो लगातार वो 28 तारीख से ही लगे हुए हैं, तो आप बेफिक्र रहें, बहुत ही जल्द आपको पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा। इसके बाद हमारे शहनवाज राज लिखते हैं कि इमरान भाई, कब तक मुरलीगंज पुलिस ऐसे ऐसे करते रहेंगे।
शाहनवाज जी, आपको बता दें कि मुरलीगंज पुलिस के पास भी कुछ मजबूरियां हैं। वो मजबूरी ये है कि जो अनुसंधान कर रही है उसमें उन्हें कई एक तरीके के सुराग मिले हैं। वो हर सुराग पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी दोषी हो वो बख्शे नहीं जाए। यही वजह है कि वो समय ले रहा है, क्योंकि जब केस हुआ था 30 अगस्त को तो वो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस था, किसी का नाम उसमें दर्ज नहीं किया गया था। हालांकि पुलिस ने मृतक टीपू के परिजनों से पूछा था कि क्या आपको किसी पर संदेह भी है, किसी ने आपको धमकी भी दिया था। इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसी कोई बातें नहीं थी। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसे कमेंट के जरिए ज़रूर हमें बताएं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, उसके बाद लाइक भी करें, और पेज को वी आवर्स न्यूज़ पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इमरान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।